हेलो फ्रेंड्स आई एम आदित्य किदारी आज का टॉपिक है कैन बैन ऑन फिफ्टी नाइन एप्स टीम चाइना तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं फिफ्टी नाइन चाइनीज़ एप्लीकेशन उनको बैन कर दिया है तो इससे चाइना पे कुछ इम्पेक्ट होगा नहीं होगा और ये जो हमने बैन किया है इसमें डेमोक्रेटिकली स्पीकिंग कितनी लीगालिटी है लीगली स्पीकिंग ये कितना करेक्ट है कितना इनकरेक्ट है वो भी हम देखते हैं लेट स्टार्ट तो आर्बिटरी बैन ऑन फिफ्टी नाइन वेब सर्विसजाइन्स लीगल प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक नॉम्स तो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि जो फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन बैन किए गए हैं वो आर्बिट्री है लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया है और डेमोक्रेटिक नॉम्स जो होते हैं ट्रांसपरेंसी के उनको भी फॉलो नहीं किया गया है तो कैसे लेट्स ही क्या हुआ क्या अब प्रेस रिलीज वॉज इशूड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्ट डायरेक्टिंग अ बैन ऑन फिफ्टी नाइन स्मार्टफोन एप्लीकेशन मैनी ऑफ दम वेब सर्विसेज तो जो मिनिस्ट्री है आई की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई की उन्होंने इन ऐप्स को बैन uh, कर दिया दिस इंक्लूड्स टिकटॉक जो कि काफ़ी पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यू सी ब्राउज़र जो कि काफ़ी मोबाइल्स में इस्तेमाल किया जाता है अ प्रीफर्ड वेब ब्राउजर फॉर लो बजट स्मार्टफोन्स एंड कैम स्कैनर विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इमेजेस इन टू शेरेबल डॉक्यूमेंट्स तो कैम स्कैनर भी बहुत लोग इस्तेमाल करते थे इन वन फेल सूप दिस सिंगुलर एक्ट ऑफ वेब सेंसरशिप इन इंडिया हैज़ इम्पैक्टेड मोर पीपल दैन एवर बिफोर अभी बहुत लोगों को इम्पैक्ट हुआ है क्योंकि इनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन स्पेसिफिकली अगर आप टिकटॉक यूसी ब्राउजर कैम स्कैनर के स्पेसिफिकली मैंने मैंशन किए इवन थमेल में उनके आपको लोगों दिखेंगे क्योंकि वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे बियॉन्ड द जो जियो पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ दिस बैन कंसर्निंग क्वेश्चन लीगैलिटी एंड द मेजर इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एक तरफ लीगली आपने ये कितनी लीगली करेक्ट है इनकरेक्ट है और जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया फ्रीडम टू इंटरनेट हो गया ये इसको इम्पैक्ट कर रहा है कि नहीं है ये भी हमको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो लेट्स द फर्स्ट कंसर्न आ रहा है ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन वेबसाइट ब्लॉकिंग भाई क्यों किया जा रहा है उसके पीछे की रीजनिंग क्या है उससे क्या हम हो रहा है लोगों को या क्या हम क्या हम हो सकता है फ्यूचर में डैमेजेस हो सकते हैं उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करती है एक प्रेस रिलीज करती है और बोलती है कि हमने इसको बैन कर दिया है इसके पीछे का रीजन क्लियरली बताती है नहीं है प्रायर टू एडवर्टाइजिंग टू द एडवर्टिंग टू द लीगल प्रोविजन एट प्रोवाइड फॉर द गवर्नमेंट टू इशू सच डायरेक्शन फॉर ब्लॉकिंग लेट लेटस्ट लुक एट द प्रेस रिलीज सबसे पहले प्रेस रिलीज को देखते हैं इवन प्रायर गवर्नमेंट्स हैव मेड प्रेस रिलीजेस वाज मेड टू ब्लॉक अराउंड टू फाइव वेब पेजेस टू प्रिवेंट डिस इन्फॉर्मेशन दैट परपोटली वॉज कॉजिंग द एक्सोट फ्राम बेंगलुरू ऑफ इंडियंस बिलोंगिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री तो ये क्या पहली बार नहीं हुआ है कि इंडिया ने वेबसाइट्स या इंटरनेट को सेंसर किया हुआ है 2012 में भी 245 वेब पेजेस को निकाल दिया गया था उसके बाद हमने बहुत सारे पॉन वेबसाइट्स को भी निकाल दिया था तो अभी देखते हैं कि अभी ये वेब एप्लीकेशन पहली बार ऐसा हुआ है कि जो होते हैं मोबाइल को उनको निकाला है The relevant order mentioned several grounds, such as defense and डिफेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक even एंड and privacy एंड प्राइवेसी तो वो जो प्रेस रिलीज की गई थी 2012 में उसके अंदर रीजंस भी बताए गए थे कि ये जो 245 वेब पेजेस है इनको क्यों हटाया गया उनमें से जो रीजन थे वो था डिफेंस इंटीग्रिटी पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी और प्राइवेसी ऑलराइट द डायरेक्टी वॉज प्रीमाइज ऑन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बाय द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमिटी एट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रिपोर्ट्स रिस्यूड बाई आप प्रीमियर साइबर सिक्योरिटी बॉडी सर्ट इन डिबेट्स इन पार्लियामेंट तो इसके आप देख सकते हो कि हमारी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन कमिटी है जो कि होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करती है सर्ट इन ये जो हमारी प्रीमियर बॉडी है साइबर सिक्योरिटी की और पार्लियामेंट में डिबेट्स होने के बाद इन वेब पेजेस को हटाया गया तो इस बार अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है सो लैक ऑफ एग्जामिनेशन तो इस पर डिबेट है दिस टाइम रिकमेंडेशन बाय द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अफेयर टू बीन अ अविटल डॉक्यूमेंट तो सबसे पहले तो होम मिनिस्टर ने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट माना गया है ये एप्लीकेशन को बैन करने के लिए द मिनिस्टर्स असेसमेंट में नॉट हैली एग्जाम और डिबेटेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुआ जैसे पिछली बार पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था इनके रिकमेंडेशन पे इस बार पार्लियामेंट में नहीं हुआ जो कि एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज भी होती है दूसरी पार्टीज होती हैं जो कि अपोज कर सकती थी कि भाई अगर आप बैन कर रहे हो तो उसके पीछे के रीजंस क्या और वो रीजंस वैलिड रीजंस है कि नहीं लीगल रीजंस है कि नहीं हैज नीड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ दिस रिकमेंडेशन गाइमसी भैया आप कौन से रिकमेंडेशन किए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उसके बारे में डिस्कलोजर ही नहीं किया गया है उसको पब्लिक डोमेन में नहीं दिया गया है शेयर नहीं किया गया है फर्दर मोर द लीगल ऑर्डर बाई इट सेल्फ हेज नॉट बीन पब्लिश और बीन मेड पब्लिकली अवेलेबल ये जो लीगल ऑर्डर थी उसको भी पब्लिश नहीं किया गया है Disclosure of this order is necessary because the nature of the action of blocking impacts the right not only of the owners of the smartphone applications but the public's fundamental right to receive information. there are certain applications which are quite इंपॉर्टेंट टू सम्पीप जैसे कैम स्कैनर हो गया उससे तो आप डायरेक्टली किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते थे टिकटॉक पे तो बहुत सारे लोग पैसे भी कमाते थे उनके uh, उनकी प्रोफाइल्स थी जैसे कि यूट्यूब चैनल होता है वैसे टिकटॉक के भी प्रोफाइल्स होती है जिसपे काफ़ी लोग पैसा भी कमाते हैं तो सडनली आप अगर उसको डिलीट कर देते हो उसको हटा देते हो तो इसमें कितना आ, आपको कितना वैलिड है तो आपको रीजन्स देना बहुत ज़रूरी है जो कि नहीं दिए गए बस एक प्रेस रिलीज़ कर दी गई कि इनको बैन किया जा रहा है The the fact as they stand are that the only publicly available document available at present is the press release. बस उसके अलावा लीगल ऑर्डर हो जाए रिकमेंडेशन हो गए होम मिनिस्ट्री के उसके बारे में कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा है उसको रिलीज ही नहीं किया गया है इंपेरिटिव फॉर डिस्कलोजर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सारे गए, उसके पीछे जो भी रीजनिंग की गई उसको डिस्कलोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है The imperative for disclosure becomes clearer on a joint reading of the श्रेया सिंघाल एंड अनुराधा भाषण जजमेंट्स तो श्रेया सिंघाल और ये जो जजमेंट्स थे उसके अंदर जो सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसको हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से निकाल दिया था तो देखिए क्या होता है द फर्स्ट कंसर्न द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए श्रेया सिंघाल में सेक्शन सिक्सटी सिक्स ए के बारे में बात की गई थी तो इस सेक्शन के अंतर्गत अगर कोई भी कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता है कोई भी रिलीजियस कास्ट बेस्ड जेंडर बेस्ड कुछ गंदी बातें करता है तो उस इंडिविजुअल को आप अरेस्ट करके जेल में डाल सकते थे तो इस सेक्शन को हटा दिया गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेक प्रोविजन था इसके अंदर क्लैरिटी नहीं थी इसके अंदर गवर्नमेंट इसको मिसयूज़ करके किसी को भी अंदर अरेस्ट कर सकता था स्पेसिफिकली जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे तो वाइल अप होल्डिंग द ब्लॉकिंग पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट रीजन दट द रिट रेमिडीज वुड अवेलेबल वुड ऑलवेज भी अवेलेबल टू अग्रुड पर्सन ठीक है हायर कोर्ट इन रेट द पिटिशन वुड रिक्वायर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लीगल ऑर्डर तो अगर आपको आपके पास लीगल ऑर्डर होगी तो ही आप एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो रिट रिट पिटीशन मतलब एक केस फाइल कर सकते हो जब आपका एक कोई फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है so, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रही तो एक राइट टू इफॉर्मेशन इज एन इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट विच कम्स अंडर आर्टिकल ट्वेंटी उसके अंदरइड है एक्सप्लिस मेंशन नहीं किया गया तो रिट पिटन फाइल करना है मतलब आपको केस फाइल करनी है जब आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है तो आपको लीगल ऑर्डर की बहुत

परमिशन लेनी पड़ेगी लीगल ऑर्डर आपको पब्लिश करना पड़ेगा रीजन आपको पब्लिश करने पड़ेंगे, और जो किए गए थे Here, बस एक सा प्रेस करके आप पूरा इंटरनेट एक्सेस या फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन जिसमें से काफी एप्लीकेशन यूस, यूसेज में होते थे लोगों को आप हटा नहीं सकते उसके बाद सेकेंड प्रोसीडिंग्स टू द मोर सब्सटेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द एक्शन इट इसमें फ्लॉस क्या क्या है The first is with respect to the adherence to the prescribed power under Section 69A of the IT Act 2000 that permits the blocking of information that falls within specific grounds that need to be invoked when it is necessary and expedient. So, Section 69A के अंदरगत government को authority दी जाती है कि वो किसी भी information को block कर सकते हो. तो so, इस section का इस्तेमाल करके ही ये जो 59 applications है China के इसको block कर दिया गया है.

द फर्स्ट इज दैट द सो कॉल्ड बैन हैज बिन इम्पोज विदाउट एनी फॉर्म ऑफ प्री डिसनल हियरिंग बैन करने के पहले आपने कोई भी हियरिंग नहीं हुई है कोई भी डिबेट नहीं हुआ है पार्लियामेंट में कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बैन कर दिया है और लोगों को उसके ग्राउंड भी नहीं पता है ऑन वॉट बेसिस आर यू बैनिंग दो अ प्रोसेस वुड हैव रिक्वाड शो कॉस नोटिस टू द सर्व टू बी सर्वरिंग द एग्रीव पार्टी अ डिटेल्ड अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड इट सिस वुड है तो भैया अगर आपको बैन करना है तो जो भी इसके ओनर्स हैं या जो इनके मैनेजर्स एप्लीकेशन के रिलेटेड जो लोग हैं इनको एटलीस्ट सुन लेना चाहिए था कि आप लोग हम ये बैन करने वाले तो आपका इसका कोई डिफेंस है आपको किसी भी तरीके से आप डिफेंड कर सकते हो और पूरा एक फिर एक लीगल ऑर्डर पब्लिश भी कर सकते थे ऐसा कुछ नहीं हुआ सिर्फ एक प्रेस रिलीज निकाल दी गई और बोला गया कि ये फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन बैन कर दिए गए हैं क्योंकि फिलहाल एंटी चाइना सेंटीमेंट काफ़ी स्ट्रांग है तो लोग भी ज़्यादा बोल नहीं रहे लेकिन हम अगर हम एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह हमें अगर बिहेव करना है तो हमने ही जो डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसेस बनाए हैं उसको फॉलो करना भी जरूरी है दिस प्रोसेस कैन ओनली भी एक्जेम्प्ट एडवेंदर एग्जिस्ट एन एमरजेंसी ये प्रोसीजर आप फॉलो नहीं कर सकते जब एमरजेंसी है ज लिटिल इन द प्रेस रिलीज टू इंडिकेट वेदर दिस वॉज इंडीड एन इमरजेंसी एंड स्पेसिफिक कॉज वॉज तो इन एप्लीकेशन को बैन करने के पीछे कोई इमरजेंसी है उस इमरजेंसी के बारे में उस प्रेस रिलीज में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है उनको सिर्फ ये बोला जा रहा है कि हमने बैन कर दिया पर क्या रीजन है कोई इमरजेंसी थी और वो अगर इमरजेंसी थी तो वो क्यों थी कोई डिस्कशन नहीं है चाइना के बारे में कोई मेंशन भी नहीं कर रहा है उस प्रेस रिलीज में कैसे फॉर दोस्व स्टेट दैट द बैन वाज नेसेसरी ड्यू टू वॉज नेग्रेशन अलोंग द बॉर्डर जो भी अभी हम देख रहे हैं एक्साइज स्कीम में जो एग्रेशन दिखा रहे हैं और स्पेसिफिक थ्रेड टू आर साइबर सिक्योरिटी द वर्ड चाइना इज नॉट इवन विद इन इट जो प्रेस रिलीज की गई है उसके अंदर चाइना के बारे में कुछ भी बोला नहीं जा रहा है लेकिन जो भी फिफ्टी नाइन बैन किए गए वो सारे चाइनीज हैं दिस बिकम्स मोर क्यूरियस बिकॉज देयर अपियर्स टू बी ए ग्रुप डिटर्मिनेशन ऑफ फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन ग्रुप डिटर्मिनेशन किसका ग्रुप चाइना का ग्रुप ये सारे जो एप्लीकेशन है फिफ्टी नाइन के तो इनडायरेक्टली चाइना को हिंट दिया जा रहा है इनडायरेक्टली चाइना की मार रहे हैं हम ऐसा हो गया ईच एप्लीकेशन इज डिस्टिंग मेनी ऑफ कम फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज एंड डेवलपर्स ये बहुत डिस्टिंग ऐसा कुछ नहीं कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन है सिर्फ चाइना का एप्लीकेशन है बैन कर दो द बेसिस ऑफ द ग्रुपिंग इज एन इकोनॉमिक रिप्रेजेंट अगेंस्ट चाइना द टेक्सट ऑफ द ऑर्डर डज नॉट स्टेट एनी सच थिंग्स इसकी वजह से अगर कोई इकोनॉमिक इंपैक्ट होने वाला है चाइना को या उनके हौसले बुलंद नहीं होंगे वो हो जाएंगे ऐसा आपको सोचना है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सेवरल अदर माइनर डिफेक्ट्स एग्जिस्ट हवेवर इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस ऑन द लार्जर पॉइंट अबाउट द नेसेसिटी टू मेंटेन लीगैलिटी भाई अगर आप बैन कर रहे हो तो चाइना क्या इराक क्या पाकिस्तान क्या किसी भी वेबसाइट किसी भी एप्लीकेशन को आप बैन कर सकते हो लेकिन लेकिन जो लीगल प्रोसेस है और हमारे जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है उसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है जो इस बार गवर्नमेंट ने नहीं किए ऐसा दिख रहा है सिर्फ एक प्रेस रिलीज की गई द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी इज इनहेरेंट टू अ रिपब्लिक दैट इज गवर्ड बा लॉज एंड नॉट द विम्स ऑफ पावरफुल इंडिव्यूजल इन हाई ऑफिस ऑब्वियसली अगर हम लॉ फॉलो नहीं करेंगे कोई इंडिव्यूजल कुछ बोल रहा है उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो दैट विल भी द एंड ऑफ डेमोक्रेसी दैट विल द एंड ऑफ रूल ऑफ लॉ ऐसा नहीं हो चा, होना चाहिए पावरफुल इंडिव्यजुअल्स शुड नॉट कंट्रोल हाउ द सोसायटी एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन इट इज द हॉलमार्क ऑफ अर डेमोक्रसी दट लॉज आर वैलिडली एनेक्टेड एंड डो नॉट वॉलेट फंडामेंटल राइटियसली द सर्कम वेंट देम टू रीच अ कन्वीनियंट गोल वुड अमाउंट टू अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ऑफ इंडिया ये जो भी हो रहा है इससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क को हम्पर हो सकता है अगर आप लॉस फॉलो नहीं करोगे अगर कॉन्स्टिट्यूशन लॉम्स आप फॉलो नहीं करोगे तो फ्यूचर में ऐसे ट्रेंड्स को डिसकरेज करना चाहिए टूडे देर आर टू कंसर्स विच मस भी लिजिटिमेटली एड्रेस थ्रू लेजिस्लेशन द फर्स्ट इज कनेक्ट विद प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन वेर द यूनियन गवर्नमेंट रिकॉर्ड हैज बीन पुअर वो सबको पता है कि हमारा जो डेटा अपलोड करते हैं फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे टिकटॉक पे वो सारा डेटा उस कंपनी को बिलोंग करता है इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में अभी भी गवर्नमेंट डिस्कस कर रहा है लेकिन अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर की जो हमारी प्राइवेसी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और हमारा जो डेटा है उसको प्रोटेक्ट कर देना चाहिए उसको करना चाहिए वरना इसकी मार्केटिंग करते हैं इसी डेटा से करोड़ों पैसे कमा रहे हैं ये सारी कंपनियां हमको पता नहीं हमें लगता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन हम जो भी फोटोज़ वीडियोज़ जो भी अपलोड करते हैं इससे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं वाटर डाउन वर्जन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन बिल इज पेंडिंग बिफोर अ पार्लियामेंट्री कमिटी एनअस एंड जैसे मैंने कहा एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में डिस्कशन चालू है

एंड क्रिएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस दट मे ड्रॉ इंस्पिशन फ्रॉम द कमिटी ऑन फॉरन इन्वेस्टमेंट इन द यू एस तो अगर इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को अगर आपको स्ट्रॉग करना है इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है अभी फिलहाल तो इकनॉमिकली स्पीकिंग हमारा देश पिछड़ चुका है बहुत रिसेशनरी ट्रेंड्स चालू हो चुके हैं तो अगर एफ डी आई आपको इन्वाइट करना है एफ डी आई आपको अट्रैक्ट करना है तो आपको हमारे जो नॉर्म्स हैं जो सारे रेगुलेशन्स है बिजनेस रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको थोड़ा सा डायलूट करना बहुत जरूरी है और आप जो फॉरन इन्वेस्टमेंट की जो कमेटी है अमेरिका से उससे भी आप इंस्पायर होकर ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिससे एफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके बोथ दिस मेजर्स विल सुटेबली एम्पावर द गवर्मेंट टू एक्ट विद इन द बाउंड ऑफ लॉ एंड एक्ट एज पर एविडेंस टू रीच द गोल्स दे सो डिजायर तो ऐसा करोगे तो ये डेमोक्रेटिकली और लीगली सही रहेगा रादर देन जस्ट सम पावरफुल पीपल इन द गवर्नमेंट डिसाइडिंग वॉट टू डू दिस विल बी विदाउट रिस्टोरिंग टू एडॉक एक्शन जैसे अभी लिया गया है दैट क्रिएट अ वरिंग प्रेसिडेंट एंड एक्सपांशन ऑफ स्टेट पवर ओवर द इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी बिजनेसेस देखिए बैन करना गलत बात नहीं है लेकिन उसके पीछे की रीजनिंग करना उसके पीछे के ग्राउंड्स मैंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चाइना जैसे देश को ऐसे बैन से फिफ्टी नाइन एप्लीकेशन से, से बैन से कुछ नहीं हो सकता वो इतना बड़ा देश है उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना बड़ा है सप्लाई चेन सारी उनके में इतनी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है सारी दुनिया के कि उसको अभी यूएस भी उसको झेल नहीं पा रहा है तो अभी कोविड नाइन्टीन एक बहाना हो गया चाइना को सप्रेस करने के लिए लेकिन ये सप्रेशन कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता फॉर चेकिंग आर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इज टू हाई अ प्राइस टू पे इफ द गोल इज टू न्यूट्रल द डिजाइन ऑफ एग्रसिव सिंगल पार्टी स्टेट तो अगर आप चाइना को कंट्रोल करने के लिए अगर आप खुद के लॉज और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स फॉलो नहीं कर पाओगे तो कैसे चलेगा इसके वजह से हम एक डेमोक्रेसी है हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लॉज है उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है बैन करिए लेकिन वो बैन के पीछे सारे लीगल प्रोसेस को फॉलो करिए तो चाइना हो अमेरिका हो पाकिस्तान हो वी डोंट केयर हमें ऐसा नहीं कि उन एप्लीकेशन के बिना हम जी नहीं सकते दर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव बट इट हैज टू फॉलो अ पर्टिकुलर प्रोसेस विच इज डिफाइंड बाई लॉ ओके टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी एंड नेशनल इंटरेस्ट इंडिया मस्ट प्रोसीड विद कॉशन एंड रिमेंबर द एज वल अटैच अपंग केयरफुल ऑफ हुम वी हेट फॉर वी मे एंड अप जस्ट लाइक दैम तो हमको चाइना की तरह नहीं होना है हम इंडिया है हम डेमोक्रेसी है हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम है और हमें सारे प्रोसेस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जिसमें कोई भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे लॉज वायलेट ना हो दैट इज़ द फ्यूचर ये प्रेसिडेंट ने तो गलत हो जाएगा कि अब कोई भी किसी को भी बैन कर सकता है सिर्फ गवर्नमेंट की इच्छा हो ऐसा नहीं होता है इट इज़ अ रूल ऑफ लॉ इट इज़ नॉट द रूल ऑफ पावरफुल पीपल इन द गवर्नमेंट और एनी एनी सेक्टर सो आई होप यू लाइक द वीडियो शेयर करिए अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करिए आई एम आदित्य केदारी साइनिंग आउट जय हिंद